हाय एंड वेलकम टू कपिल का किचन। आज मैं आपके लिए कोई लंबी चौड़ी कोई रेसिपी कोई करी कोई मीठा नहीं लेकर आया हूँ। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही एक बेसिक एक थॉट है, एक चीज़ है, एक टिप्स है, वो आपके साथ शेयर करूँगा कि अंडों को यानी कि एग्स को परफेक्टली आप हार्ड बॉयल कैसे कर सकते हो। चाहे आप फिर एग करी बना रहे हो या फिर आपको ऐसे ही उसके ऊपर प्याज हरी मिर्च और धनिया डाल के कुछ चाट मसाला डाल के आपको खाना हो, तो इन सब के लिए आपको परफेक्टली हार्ड बॉयल्ड एग्स आपको कैसे करने हैं घर में। मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो सारी टिप्स, तो पूरी वीडियो जरा ध्यान से देखना। और जिन्होंने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरा चैनल कपिल का किचन, और उसके साथ साथ बेल आइकन पे क्लिक करना ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो अंडे उबालने के लिए सबसे पहले एक बर्तन के अंदर इनफ हमें पानी लेना होगा, और फिर मैं गैस एक बार जला लेता हूं। एंड नंबर वन टिप, अंडे जो है वो आपको नॉर्मल पानी के अंदर डालने हैं, ना कि गर्म या उबलते हुए पानी में। तो ये मिथ है, काफ़ी सारे लोग समझते हैं कि पानी उबलने के बाद हम अंडे डालें, बट नहीं, उससे क्या होगा, काफ़ी बार जो होता है अंडे जो हैं वो फूट जाते हैं और एकदम से उनको हाई हीट मिलती है, तो जो प्रोटीन का नेचर होता है ना अंडों के अंदर वो भी चेंज हो जाता है। सो ये ध्यान रखना है आपको। तो ये नॉर्मल पानी के अंदर मैंने अंडों को डाल दिया है और गैस अभी फुल पे है, तो फुल फ्लेम के ऊपर मैं इसे अच्छे से पानी को गर्म होने देता हूँ, और फिर मैं क्या करूँगा, फ्लेम जो है मैं मीडियम पे कर दूँगा, हाई पे नहीं। हाई पे क्या होगा, अंडे बिल्कुल बहुत ज़्यादा उछलेंगे और वो टूटेंगे, तो सब जो एग की जो गुडनेस है वो सारी की सारी है पानी के अंदर वेस्ट हो जाएगी, विच शुड नॉट हैपन। तो ये आपको ध्यान रखना है, फ्लेम मैं एक बार पानी गर्म हो जाए उसके बाद फ्लेम जो है मैं मीडियम पे कर दूंगा। और टोटल टाइम आपको अंडों को देना है हार्ड बॉयल करने के लिए अबाउट 8 to 10 minutes। काफ़ी बार क्या होता है, कुछ लोग जल्दी में अंडे उबालने के चक्कर में प्रेशर कुकर के अंदर भी डाल के आप उसे सीटी निकाल के फटाफट उसे उबाल देते हो, बट ये कभी नहीं करना, इसे ढकना भी नहीं है। अगर आप ढको तो इसको आधा ढको आधा इसे खुला रहने दो, क्योंकि क्या होगा, अगर हवा सारी अंदर होगी और बहुत ज़्यादा वो प्रेशर बनेगा हवा का, उससे अंडों के अंदर का जो प्रोटीन होता है उसका नेचर बदल जाता है। सो इंस्टेड ऑफ वाइट वो येलोइश कलर का हो जाएगा, विच इज़ नॉट आइडियल। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो इंतज़ार करते हैं अंडों को परफेक्टली बॉयल होने का, हार्ड बॉयल होने का। अंडों को मैंने टोटल 10 मिनट के लिए बॉयल किया, गैस मैंने बंद कर दी है, और अब क्या करेंगे, इन अंडों को मैं इस तरीके से, ये प्लेन नॉर्मल ठंडा पानी लिया है मैंने, टैप वाटर, तो इसके अंदर मैं ये जो अंडे हैं मैं डाल दूंगा ताकि इनकी जो कुकिंग है वो वहीं रुक जाए, ये ओवर बॉयल ना हो। हल्का सा ठंडा होने देता हूँ, फिर मैं आपको एक छील कर भी दिखाता हूँ। इस तरीके से आप इसके छिलके को नरम करें, क्रैक्स डालें, और फिर हम इसे केयरफुली पील करेंगे। तो आप इस तरीके से देख सकते हो कितना परफेक्ट ये बॉयल हुआ है, छिलका बहुत आसानी से निकल गया है। अगर अच्छे से वो बॉयल हुआ होगा तो छिलका बहुत आसानी से निकलेगा। और अंदर मैं इसको आपको काट के दिखाऊं, सी परफेक्टली बॉयल्ड। और इसकी पहचान ये है कि एक तो पीला जो है वो बिल्कुल फॉर्म है, अच्छे से पक चुका है, और इसे मैं अगर निकालूँ तो आप देखोगे कि जो एग वाइट है ना, इसके अंदर वो काला काला नहीं आ रहा है, वो एक रिंग सी बन जाती है। रिंग बनने का मतलब ये है कि वो ओवर बॉयल हो गए हैं, और अंडर बॉयल होंगे वो तो आप खुद पहचान सकते हो जब आपका जो एग येलो होगा वो अच्छे से कुक नहीं हुआ होगा, और छिलका भी आसानी से नहीं उतरेगा। सो दीज आर परफेक्टली हार्ड बॉयल्ड एग्स। तो आप इसी तरीके से घर पर आप बनाइए। ये जो मैं सारी की सारी जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं वो आप टिप्स ध्यान रखना, इट्स वेरी इजी, एक बहुत आसान चीज़ है, बट अगर आप इसे परफेक्ट कर लेते हो तो इसी से रिलेटेड बहुत सारी रेसिपीज़ बनाने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी।